न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास कार पर गिरा इमली का पेड़, कार क्षतिग्रस्त। बड़ा हादसा टला, नगर आयुक्त ने किया दावा। शहर में जल जमाव को रोकने के लिए लगा है नगर निगम प्रशासन। भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बन जाने पर सिटी मजिस्ट्रेट व अपर नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। जगह जगह जल निकासी के लिए लगाए गए हैं पंपिंग सेट। बिजली आपूर्ति ठप होने से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। जिला अस्पताल में मरीजों की नहीं हो पाई जांचें। थक हार कर वापस लौटे मरीज। रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन विभाग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके साइंस फैकल्टी के डीन प्रोफेसर हरीश रणव बने गोरखपुर के नए प्रतिकुलपति। कहा, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर छात्रों की होगी पढ़ाई, सुचिता पर होगा विशेष ध्यान। एक माह तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का प्रमुख सचिव चिकित्सा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। 2025 तक टीवी उन्मूलन पर भी दिया जोर। बरसात में संक्रामक बीमारियों का बड़ा खतरा, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। डॉक्टरों ने कहा, बरसात में भीगने से करें परहेज, साफ सफाई पर दें विशेष ध्यान। अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मेष शुल्क घटाने की मांग। प्रतिकुलपति ने कहा, एक साल का मेष शुल्क है 30,000, फिर भी उस पर किया जाएगा विचार। विहिप व बजरंग दल ने हिंदू द्रोही और राष्ट्र विरोधी इस्लामिक जिहादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन। जिलाधिकारी को किया प्रेषित। कहा, मॉब लिंचिंग के नाम पर झूठी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है पेश। और यूनाइटेड इदरीस फ्रंट ने सरकार से की मांग, सिलाई का काम हमारी जाति को दिया जाए। इदरीस बिरादरी ने दहेज न लेने का लिया फैसला।